हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदर्स केयर। मैंने कल के टॉप मैंने अपना जो कल का वीडियो था वो कवर किया था कि टमी टाइम क्या है, तो मैं आज के इस वीडियो में टमी टाइम करने का सही तरीका क्या होता है मैं इसे एक वीडियो के फॉर्म में बनाऊंगी। मैं अपनी डॉटर आयशा को टमी टाइम कैसे देती हूँ, मैं इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमो टाइप आपको दूंगी ताकि आपको समझ आए कि टमी टाइम बच्चे को देना कैसे चाहिए। बिकॉज बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं कि हम बच्चे को पेट के बल कैसे लेटाएं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, बच्चे को आपको धीरे से बेड पे एक सर्फेस पे रखना है, एक फ्लैट सर्फेस पे रखिए। कुछ आप पतला सा ब्लैंकेट की तरह रख सकते हैं ताकि बच्चे को सर्फेस बहुत हार्ड नहीं लगे, बच्चा उस चीज पे कंफर्टेबल रहे बच्चे को। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट टमी टाइम है कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, बच्चा ये नहीं लगे कि उसका पेट दब रहा है या उसकी आर्म्स पे उससे ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि टमी टाइम क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, बच्चे को टमी टाइम देने का सही एज क्या होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आज आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी कि सही तरीके से बच्चे के साथ आप ये टमी टाइम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अनायशा कंफर्टेबल है, मैंने उसको टमी टाइम के लिए बेड पे रख दिया है। अब अपने दोनों वो हैंड्स को मूव कर रही है, अपनी नेक को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, थोड़ा वो आगे की तरफ मूव करने का कोशिश करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो थोड़ा अपना ऊपर उठे, वो उसका चेहरा बार बार नीचे चला जा रहा है। बट हाँ, वो धीरे धीरे, जब मैंने उसको टमी टाइम स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती थी नेक को, वो एक जगह पे दोनों हाथों को बैलेंस करके रहती थी। बट अब थोड़ा वो मूव आगे की तरफ कोशिश करती है कि वो आगे की तरफ आए। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो अपने फेस को आगे कर सके और फिर वो मूव करे। बट हाँ, धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे वो नेक भी इसी तरीके से बैलेंस करेगी, दोनों वो आर्म्स को अपने बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। इससे बहुत ज्यादा उसके आर्म मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है डेवलपमेंट में। अनायशा से हेलो टू एवरीवन। सब लोग कह रहे थे कि आप अपने वीडियो में अनायशा को प्लीज फीचर कीजिए, तो अनायशा हेलो बोल दो सब लोगों को, से हेलो टू एवरीवन। अनायशा बच्चे, इसको अभी तो खैर बहुत छोटी है, धीरे धीरे सीख रही है, बट थोड़े टाइम के बाद जब उसे बैलेंस मिल जाएगा तो उस सेशन को बहुत एंजॉय करेगी। आप इसको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट ले आके टॉयज से उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई साउंड निकालोगे, फिर वो अपने आईज को, अपने नेक को मूव करेगी, उससे भी बहुत ज्यादा नेक को बैलेंस करने में उसे हेल्प मिलेगी। बहुत ज्यादा नहीं, आप एट अ टाइम एक बार में 2 से 3 मिनट का सेशन दे सकते हो। अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ज्यादा देर तक आप बच्चे को पेट के बल ना लेटाएं। अगर 1 मिनट ही करता है तो 1 मिनट ही कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 2-3 मिनट 5 मिनट सबके बच्चे कर रहे हैं तो वैसे ही करवाएं, ये डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे। जैसे उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो अपना पूरा इंजॉय करती है, उसने ही खेलती है, उठने का कोशिश करती है, तो ये डिपेंड करता है बेबी टू बेबी। सो या इसी तरीके से आपको देखो वो अपने पैरों को भी मूव कर रही है। अनायशा, अनायशा, अनायशा वेयर इज मामा, कहां से आवाज आ रही है बेटू? अनायशु, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये बस मैं आपको डेमो दिखाना चाहती थी कि बच्चे को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है टमी टाइम से, तो आप अपने बच्चे के साथ भी टमी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सो गाइस, थैंक यू अनायशा, से थैंक यू टू एवरीवन, बोल दो सी यू सून, बाय बाय।